प्रणाम, मेरा नाम अंशिका खरे है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बी वॉक 3D एनिमेशन एंड वीएफएक्स डिजाइनिंग की छात्रा हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने तप से पोषित किया है और उस ऊर्जा की अनुभूति आपको इस विश्वविद्यालय में कदम रखते ही पता चल जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय के बीचों बीच महाकाल स्थापित है, जहाँ पर यूजुअली बच्चे नादेव के समय जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में हमें हमेशा साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लिंक करके ही बताया जाता है। हमारे यहाँ सुबह यज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ के बेनिफिट्स आपके अंदर और पूरे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकते हैं उसका भी पता चलता है। मैं इस विश्वविद्यालय में आई तो यहाँ पढ़ते पहले कदम के साथ ही यहाँ की सकारात्मकता अनुभव की जा सकती है। ईच एंड एवरी स्पॉट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज यूनिक एंड वी आर कनेक्टेड टू इट इमोशनली। अब चाहे वो पावन पुनीत प्रज्ञेश्वर महाकाल का प्रांगण हो या स्मृति उपवन की सड़कें, R&D ग्राउंड की शांति हो या फिर लाइब्रेरी से मिलने वाला यूनिवर्सिटी व्यू, यहाँ का हर एक स्थल पावन है। उसी अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ की हर छोटी से बड़ी चीज़ खास है। अब वो आप हाय हेलो की दुनिया से दूर यहाँ प्रणाम का वातावरण देख लीजिए या फिर यहाँ की बिल्डिंग्स के नाम। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने प्रति कुलपति द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। यूँ तो इस विश्वविद्यालय की हर चीज़ खास है, पर मुझे जो चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ शिक्षा केवल किताबों से नहीं वरन योग, यज्ञ, आध्यात्म साधना और ज्ञान विज्ञान जैसे भारतीय संस्कृति के विभिन्न सूत्रों में पिरोकर दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं वो इतना नहीं बताती, पर हमें हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ कर रखता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति बहुत अच्छा होता है। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हमारी तरह से एक तरह से भाई बहन की तरह ही रहते हैं। शाम को प्रार्थना के लिए बुलाते थे, जिसमें खुद को जानने का, शांति का अनुभव करने का मौका मिलता था। दूसरी बार आदरणीय भैया से ओरिएंटेशन के दिन मिलने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला, उनसे अनुशासन, समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये तरह तरह की चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। अलग अलग तरह के अनुभव, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में जानने को मिला और खुद को बहुत बड़े तरीके से सुधार करने का मौका मिला। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, जो हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अनुशासन में कैसे रहना है, स्वाध्याय कैसे करना है, खुद में सुधार कैसे लाना है, यह सब सिखाया जाता है। तो काफ़ी कम शब्दों में आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि DSVV का अनुभव मेरा ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव रहा है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।